आपने ऑर्डर देखा 24/4/23 का, मिस्टर मोदी बाबू जी, आप यू आर एन इडियट नंबर वन, अब तुम चटिया गए हो। आप चाहते क्या हैं? सर मैं केवल ये बताना चाह रहा था, हिसाब इसको बंद कर दीजिए, बहुत कोशिशें हो चुकी हैं। ऐसा है कि ये जितनी आप अंग्रेजी बोल रहे हैं और जो टेक्निकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्टेज आज की नहीं है, ये स्टेज तब की है जब आप हमें अपना रोड मैप दिखाएं। ऑर्डर देखा 24/4/23 का, मिस्टर मोदी हैव यू सीन दैट ऑर्डर? नहीं नहीं, ऑर्डर कहाँ है? अरे ये मेन ऑर्डर थोड़ी ना, वो ग्रीन पेज, ग्रीन पेज का ऑर्डर कहाँ है? ग्रीन पेज वाला ओरिजिनल ऑर्डर भाई। बाबू जी आप यू आर एन इडियट नंबर वन, अब तुम चटिया गए हो। हाँ बताइए मिस्टर मोदी, हैव यू सीन दिस ऑर्डर? रघुवंशी लर्नर एडिशन रेजी अश्योर्स दिस कोर्ट दैट द ऑर्डर पास बाय दिस कोर्ट शैल बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर्स एंड स्पिरिट। ही फर्दर सबमिट्स दैट रिगार्डिंग हैड टू द कंसर्न ऑफ दिस कोर्ट इन द मैटर रिवाइवल ऑफ स्वर्ण रेखा रिवाइवल रिवर, स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक ऑल सिंसियर एफर्ट्स फॉर द सेम। In the same spirit, and just to apprise the court of what all has happened so far, this preliminary reply just on the basic facts has been filed so that your lordship may be aware that what all has taken place so far in this direction. And I have also called. आप चाहते क्या हैं? सर मैं केवल ये बताना चाह रहा था सर, हिसाब इसको बंद कर दीजिए, बहुत कोशिशें हो चुकी हैं, नहीं नहीं सर, होना संभव नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, ये तो मैं केवल सर को ये बताना चाह रहा था कि इसमें जो डी कॉन्क्रीटिंग की बात की गई थी इन द प्रीवियस ऑर्डर शीट, एक्चुअली देर इज़ नो कॉन्क्रीटिंग डन, सो देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ डी कॉन्क्रीटिंग। द इनर लाइनिंग विच इज़ बीन डन बाई द डब्ल्यू आर डी डिपार्टमेंट, इट इज़ टू फॉर रिचार्जिंग ऑफ द वाटर टेबल, एंड देर इज़ नो कॉन्क्रीटिंग एट ऑल। ऐसा है कि ये जितनी आप अंग्रेजी बोल रहे हैं और जो टेक्निकली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्टेज आज की नहीं है, ये स्टेज तब की है जब आप हमें अपना रोड मैप दिखाएंगे। सर वो उसी संबंध में रिप्लाई दिया। चलो अब हम तुम्हें सुना ही लेते हैं। रिप्लाई दिए हैं क्या? यस सर, कहाँ है? अभी सुनते हैं, अभी सुनते हैं, अब तुमने सुनने के लिए मजबूर कर रहे हो हम लोगों को। रिप्लाई है कहाँ? चलो बताओ अब क्या रिप्लाई है तुम्हारा, दिखाओ। हमारा सर रिप्लाई केवल ये है। नहीं नहीं दिखाओ दिखाओ, तुम जितना सफाई दे रहे हो उसे समझते हैं। ज्यादा स्मार्टनेस प्रॉब्लमेटिक होती कभी कभी। रिप्लाई आपके रिकॉर्ड में है नहीं, दिखाइए कहाँ है रिप्लाई आपका। 28/23 को ना मानेंगे ऐसे, वो चाहते हैं मोदी निपटा सकते हैं मुकदमे को। ठीक है चलो भाई बताओ मोदी जी क्या रिप्लाई है आपका। नहीं नहीं ना बुलाओ, आप किसी को ना बुलाओ, हम सब हम बुलाएंगे सबको। आए हुए सर, आए हुए, और केवल क्योंकि ऐसा है कि कॉन्क्रीटिंग करी थी साहब, अब डी कॉन्क्रीटिंग करना है और फिर उसमें हम पानी बहाएंगे और फिर उस पर देखेंगे कितना सीपेज है, फिर सब आगे बताएंगे। पहले भी सवा 2-4 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, ये सब बताओगे तुम और क्या बताओगे? सर मैं कुछ और ही कुछ और क्या बताओ, क्या बताना चाह रहे हो बताओ। सर मैं ये सबमिट करना चाह रहा था कि 2007 के बाद दिस प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द आउटलेइंग ऑफ वेरियस सीवर लाइंस इन दिस नाला, बिकॉज ऑफ दैट ऑल द रिचार्जिंग विच वॉज डन बाई द डब्ल्यू आर डी डिपार्टमेंट, दे गॉट क्लॉग्ड। नाउ द सीवेज was the subject matter of municipal corporation. This entire project was handed over to municipal corporation in 2012. There is no concrete there. The center of the flow of the canal is bare earth, and it was left like that for the very reason that recharging of the water table is properly possible. Because the sewer lines are being released in that nala, therefore the recharging is clogged. Now that sewer lines are released because the corporation was not able to provide alternative outlet for those sewer lines, and they are released in this nala. This is the basic submission I wanted to make so that further direction. अब इसके आगे कुछ और बोलना है? यही यही रिप्लाई में सर। रिचार्जिंग का मतलब क्या होता है? सर
रिचार्जिंग ऑफ द वाटर टेबल द ग्राउंड द द रेन वाटर. देखो ये रिचार्जिंग तब होती है जब प्लांटेशन कम होता है. रिचार्जिंग तभी खराब होती है. आप यहाँ पे वाटर टेबल ऊपर ला ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे कोई प्योर नहीं है. वहाँ पे लोगों ने जो इंक्रोचमेंट्स कर रखे हैं और जो नाले बह रहे हैं उसमें पहले एक ऑर्डर शीट में लिखा हुआ है कॉरपोरेशन गवर्नमेंट एंड पब्लिक ऑल थ्री हैव टू ज्वाइन हैंड्स टू इंश्योर दैट द रिवाइव प्रोसेस ऑफ रिवाइवल टेक्स ऑफ. ये जो पासिंग ऑन द बक की कहानी है कि साहब अब हम क्या कर सकते हैं. वहाँ पे सीवेज का पानी जा रहा है, नाले में पानी होने की नाला बन गया है, वाटर टेबल कहाँ से रिचार्ज होगा अब तो पॉसिबल ही नहीं है. इस कहानी के हम सख्त खिलाफ हैं. नहीं आप अगर करने को तैयार तो बुलाओ अपने अफसर को बुलाओ. कहाँ है तुम्हारा अफसर? कौन ऑफिसर आया तुम्हारा बताओ? किस कैटेगरी का अफसर है ये? है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. अपने चीफ इंजीनियर को बुलाओ. कहाँ है तुम्हारा चीफ इंजीनियर? बुलाओ उसको. बाहर है? कहाँ है? 2:30 बजे बुलाओ उसको. आपकी रिप्लाई भी दिख नहीं रही है इस पर. कुछ नहीं हो फाइल किए हैं क्या? बहानेबाजी और कुछ नहीं है. आपको कॉपी मिली है इनकी रिप्लाई की? मुझे लगता है फाइल नहीं किया है. और हमने जब लिखा है कि मिस्टर गुप्ता हु इज नॉट ओनली अ सीनियर एडवोकेट बट ऑल्सो अ पर्सन इन सोसाइटी हेल्ड इन हाई रिस्पेक्ट. हमने इनको आर डी जैन साहब को वो भी है ना जैन साहब भी इसमें हाँ हमने इनको एमाइकस बनाया एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट. आर यू नॉट सपोज यू मीन्स योर ऑफिसर नॉट सपोज टू रिपोर्ट हिम एज पर द ऑर्डर? आप लोग क्या समझते हैं हम लोग ऑर्डर ऐसे पास कर देते हैं क्या? वो होंगे चीफ इंजीनियर. ये पब्लिक का कॉज है, हम सबको मिलकर उसको रिवाइव करना है. ये क्या तमाशा है? एक OIC को भेज दिया और उन्होंने कहानी लिख के भेज दी साहब नाले में सीवेज का पानी बह रहा है तो वो रिवाइव नहीं हो सकती है. अगर यही अप्रोच आपकी है तो हम आपसे क्या उम्मीद करें? अरे यू नीड टू गिव अ सोल्यूशन कि सर दिस इज हाउ इट कैन बी डन इंस्टेड ऑफ पोजिंग अ प्रॉब्लम. इट कॉन्ट बी डन. वाटर रिचार्ज नहीं सकता. अरे रिचार्ज वाटर टेबल कब होगा? जिस जो नदी पिछले 10 साल से सूखी पड़ी है वहाँ क्या रिचार्ज करोगे? यू हैव टू डाइवर्ट वाटर. साबरमती में क्या हुआ था? रिचार्ज हुआ था क्या? पानी डाइवर्ट किया कि नहीं किया नर्मदा जी का? अब करंट फ्लो आ गया उसमें. जब पानी जाएगा रिवर में तब तो अंदर वाटर टेबल बढ़ेगा कि बिना पानी जाए वाटर टेबल बढ़ जाएगा? भाई सीवेज लाइन है उसको ब्लॉक कौन? हु इज फॉर द कॉरपोरेशन? खुद को बुलवाइए 2:30 बजे की. दे हैव टू टेक स्टेप्स. नाउ वी हैव टेकन स्टेप. वी नीड टू रीच टू अ लॉजिकल एंड. हम ऐसे नहीं छोड़ सकते इन चीजों को. उसको 2:30 पहले बुलवाइए. हम लोग बैठे हुए हैं चीफ इंजीनियर को बोल दीजिए अब बेटे के अब द मैटर.